नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। और सभी जानते हैं कि समाज के लिए काम करना या किसी ऐसे वर्ग के लिए काम करना जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर है, वो नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विनीता जाजू मैम, जो नेशनल महिला समिति की सचिव हैं, साथ ही माधवी जवर मैम, जो फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी दौर की प्रेसिडेंट हैं, और सीमा रणधर मैम, जो कि सेक्रेटरी हैं इसी सोसाइटी की। और ये सभी मिलकर एक ऐसे समाज के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसे एरिया के लिए काम कर रहे हैं जिसे वाकई ज़रूरत है खुद के लिए कुछ करने की। तो हम जानते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी क्या है, साथ ही किस तरह से वर्क करती है। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इसकी शुरुआत कब से हुई। 1969 में झारखंड में एक मदनलाल जी अग्रवाल थे, वो कोल माइन ओनर थे, तो अथाह पैसा था उनके पास, तो उस और उनके साथ एक बाऊ साहब देवराज जो आरएसएस के थे। तो एक दिन उनके मन में ऐसे ही आया, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा कन्वर्शन है, काफ़ी लोग क्रिश्चियन बनाए गए हैं, तो उनके मन में ऐसे ही आया कि ये भारत में जो इतनी असमानता है गाँव और मतलब देहाती लोगों में और शहर के लोगों में, वो क्यों है। तो बहुत विचार करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये एजुकेशन इसका कारण है, क्योंकि ये गांव के लोग अनएजुकेटेड हैं, इनको जो जो कुछ बताता है उसी को ये सच समझ लेते हैं। तो उनके मन में आया कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इसे शिक्षा में क्यों नहीं खर्चा करें। लेकिन उनको समझा नहीं तरीका। उस वक्त श्यामजी गुप्त जो थे वो संघ के प्रचारक थे, वो उनके कांटेक्ट में आए और उन्होंने सबने मिलके ये एक योजना बनाई कि हम एक गांव में बच्चों के लिए एजुकेशन करें। तो इतने छोटे गांव में कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि एक ही गांव के हम 8 से 10 क्लास पढ़े हुए लड़के को टीचर बना दें, जिसको हम आचार्य बोलते हैं, और वो गांव के 30 बच्चों को पढ़ाएं। तो इस तरह 60 स्कूल की स्थापना 1969 में मदन लाल जी अग्रवाल के इनिशिएटिव पर हुई। एकल अभियान के तहत आपने जो एकल स्कूल की शुरुआत की है, तो किस तरह से वर्क करता है ये? वन टीचर स्कूल है, एक गांव में एक टीचर होता है, वो भी बालक ही होता है, छात्र होता है वो, और वो 30 बच्चों को पढ़ाता है। तो ये स्कूल्स का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, ये समय के अनुसार लगते हैं, जैसे मौसम हो, या गांव में ऐसे होता है कि अक्सर बच्चों की सुबह या तो वो खुद के खेत पे जाते हैं, या वो सरकारी विद्यालय में जाते हैं, या फिर उनकी माँ खेत पे जाती है तो वो अपने भाई बहनों को रखते हैं। तो ये शाम को लगते हैं एकल विद्यालय, और सुबह जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में मेन उनको एक तो खाना मिलता है और एक ड्रेस मिलता है, वो लालच मेन होता है, पर टीचर्स अक्सर गायब रहते हैं। तो ये बच्चे शाम को आके यहाँ पर पढ़ते हैं, और 30 बच्चों के ऊपर वो 3 घंटे का एक स्कूल है, जिसका प्रॉपर एक टाइम डिवाइडेड है कि उसमें उनको हिंदुइज्म भी सिखाते हैं, प्लस माइनस भी सिखाते हैं, अरिथमेटिक भी सिखाते हैं, श्लोक भी सिखाते हैं, बाकी जो भी होता है। तो ये 3rd तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। एक बच्चे की पढ़ाई के खर्च की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है? वो 1100 रुपया, और एक स्कूल में 30 बच्चे होते हैं, अगर आप एक विद्यालय को गोद लेते हैं तो उसका 22,000 रुपये खर्च आता है। जी, कितने स्कूल हैं और कहाँ कहाँ पर आप ये सारे स्कूल्स रन करें, बताओ आदि? ये ऑल ओवर इंडिया हमारे स्कूल्स हैं, और 1,00,000 से भी ऊपर विद्यालय हैं, और नेपाल में भी हैं, कुछ 1900 करीबन स्कूल हमारे नेपाल में भी हैं। जी, वहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं, आपने कहा कि वो लोकलाइट ही होते हैं जो वहाँ रहते हैं, तो उनका पढ़ाने का तरीका कैसा होता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जानते नहीं हैं कि स्टडी मतलब पढ़ाई है क्या? क्या एक्चुअली क्या होता है, गांव में जब एकदम से कोई शहरी आदमी जाके पढ़ाता है तो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते। आपने भी देखा होगा, कभी आप गाँव गए हैं तो बच्चों से जब बात करते हैं तो वो लोग जवाब नहीं देते। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम गांव के ही किसी जने को लें जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड होता है, जिसको फिर उसको एक करिकुलम दिया जाता है, उस करिकुलम से वो बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पे, जिसमें सब कुछ जैसा कि अभी भाभी ने बताया काफी कुछ इंक्लूडेड होता है। एक्चुअली एक शब्द बनाना, सिलेबस होता है। हाँ, शब्द बनाना, सिलेबस से उनको ट्रेनिंग देते हैं, और वो ट्रेनिंग के थ्रू योगा करवाना है,
पोषण वाटिका मतलब सभी कुछ बताया जाता है। उसमें उनको डांस वगैरह भी कराते हैं ना, तो जैसे प्लस माइनस सिखाता है, तो एक चिड़िया अनेक चिड़िया, 100 चिड़िया थी, एक चिड़िया उड़ गई कितनी बची, तो हंसते गाते खेलते कूदते ऐसे सिखा देते। मैम जब किसी भी चीज को हम चला रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप उसे मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है फंड का, तो ये किस तरह से अरेंज हो पाता है? देखिए हम लोग के ऑल ओवर इंडिया 32 चैप्टर्स हैं और सब हर सिटी में मेन इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे जुड़ा हुआ है जो अध्यक्ष है। इसके अलावा हमारे अमेरिका में मोर देन 40 चैप्टर्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, सब जगह हमारे चैप्टर्स हैं, और वहाँ के लोग तो इतने समर्पित हैं कि उन्हें मालूम है कि गांव पढ़ेगा तो देश पढ़ेगा और देशभक्ति की भावना इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोग के लिए तो जो 100 स्कूल देता है CSR के अंतर्गत, 100 स्कूल देने वाला और एक स्कूल देने वाला, हमारे लिए तो समान रूप से आदरणीय है, समान रूप से पूजनीय है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो कलेक्शन FTS में बहुत आता है क्योंकि एक जेन्युइन संस्था है, इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि एक पैसे का डोनेशन भी चेक से आता है और एक पैसे का पेमेंट भी चेक से होता है, तो इसलिए इसके ऊपर इतना विश्वास है लोगों का। और एक देशभक्ति की जो भावना है वो हम सब में है, किसी में जागृत अवस्था में, किसी में सुप्त अवस्था में, तो वो देशभक्ति की भावना ही सबको प्रेरित करती है कि डोनेशन दो, और डोनेशन से ही हमारे स्कूल चलते हैं। डोनेशन की बात निकली तो हमारे सामने एक पात्र रखा हुआ है, तो ये क्या है और किस तरीके से आप इसे दान? ये एक्चुअली एक सेवा पात्र है जी। इसको हम माँ यशोदा योजना बोलते हैं। जैसे माँ यशोदा ने एक कृष्ण को पाला था, वैसे हम भी चाहते हैं कि हम घर में ही रखें, घर में, शॉप्स में, मॉल्स में, सभी जगह रखते हैं, पर हमारा घर का इंटेंशन ये रहता है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आप इसमें अगर एक 5 रुपये भी रोज डाल रहे हो तो आप गाँव में रहते हुए अपने एक भाई को उसकी शिक्षा का पूरा वहन कर उठा रहे हो। और इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों में एक तो उनके लिए अट्रैक्शन होता है गांव के लिए, और दूसरा उनको दान क्या होता है वो सीखते हैं वो। तो हम ये चाहते हैं कि हर घरों में रखें ताकि बच्चे भी इससे हो कि इम्प्रेस बने, हो कि प्रेरित हो कि हाँ ये करना चाहिए दान। और श्री हरि सत्संग समिति भी है, आती है कल अभियान के तहत, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं? एक्चुअली क्या है कि गांव में लोगों की नशा करने की आदत बहुत होती है, और इतने छोटे गांव में कोई संत महात्मा तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि जहां पैसा नहीं है वहां कोई नहीं जाता। और तो और कई कई गांव तो ऐसे होते हैं जहां पर जाने के रास्ते भी नहीं बने होते, कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो हम लोग के क्या है, मथुरा वृंदावन में और अयोध्या में संस्कार केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पर जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जाते हैं, उनको रामकृष्ण की कथाएं सिखाई जाती हैं, पूरी शिक्षा दी जाती है उनको, और वो आके अपने घर में अपने ग्राम में प्रवचन करते हैं, शाम को भजन कीर्तन करते हैं। तो कई बार शाम को जो जाते हैं नशे के लिए उनको कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर भजन करिए, तो वो एक सात्विक जो विचार है उनके अंदर आते हैं उस, और थोड़ी गोष्ठियाँ होती हैं, कथाएँ सुनते हैं, उससे हृदय परिवर्तन होता है, उससे नशा छूटता है लोगों का। और ये सब भी उसके अंतर्गत आता है कि सुबह माता पिता के पैर छूओ, ये करो, थोड़ी मतलब जो अपने अक्खड़पने से निकल के एक संस्कार की तरफ आते हैं जी। और दूसरा गांव में ऐसा है कि लोगों को ये नहीं मालूम है कि राम कृष्ण का नाम सुना है पर राम कृष्ण के चित्र कभी नहीं देखे, तो लोगों के गले में ईसा मसीह पहना दिए गए, राम ईसा, राम कृष्ण ईसा बोल के, तो लोगों को समझ में आता है कि ये राम है, ये कृष्ण है। इसके अलावा हमारी योजना के अंतर्गत हरि सत्संग में एक हरि रथ होता है जी। वो एक वैन होती है जिसे हम एक मंदिर के रूप में परिवर्तित करते हैं, और उसके ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा रहता है, वो गांव गांव में जा जा के 3-3, 4-4 दिन रुकती है, वहाँ पर लोग उसे देखते हैं, उसमें उनको पूजा करना, मंदिर के दर्शन करना सिखाया जाता है, प्रोजेक्टर पे रामायण, महाभारत, धार्मिक सीरियल जो दिखाए जाते हैं, उससे लोगों को समझ में आता है कि असली हिंदू धर्म क्या है।
तो हरि सत्संग का यही मेन काम है कि जगह जगह वो खोलना, सत्संग केंद्र, लोगों को धार्मिक रुचि जगाना और उससे हिंदुइज्म का प्रचार। भाभी ये भी था ना कि वो जो गांव से ही जो अच्छा गाते हैं, हाँ, तो उन्हीं को लेके फिर उनको एजुकेट किया जाता है, 11 मंथ्स का कोर्स होता है वो, फिर वही लोग कथा करते हैं, वही दीदी भैया जो भी लोग रहते हैं वही लोग कथा सुनेंगे ना, तब अच्छे अच्छे संत महात्मा मिल जाएंगे। और आप उनके घर देखोगे तो कोई 15 किलोमीटर आप पैदल चल रहे हो, कोई आप 2-2 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ रहे हो, ऐसी जगह से आए हुए बच्चे इतने सुंदर कथाकार होते हैं कि एक 15-20 लोगों का एक ग्रुप तैयार था, वो अमेरिका में 40 डेज ट्रेवल करके आया और वहाँ पर उन्होंने ऐसी नाटिकाएं और ऐसे किए कि आप मतलब कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उनको स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला। तो बच्चों में सीखने का बहुत है लेकिन बस सिखाने वालों की कमी है। जी, जब आप बच्चों को इधर विद्यालय के तहत शिक्षा देते हैं, जरूरी चीजें बताते हैं, तो उसमें क्या कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं जो बच्चों को सिखाई जाती है? हाँ बिल्कुल, एकल के थ्रू हमारी कंप्यूटर वैन चलती है, एक वैन होती है उसके अंदर हम 10-12 कंप्यूटर लैपटॉप्स से करते सिटिंग भी लगते हैं उसमें, वो हम गांव में ले जाते हैं उस वैन को, एक ड्राइवर और एक उसमें ट्रेनर होता है जो कंप्यूटर का नॉलेज देता है, वो गांव के बाहर जाके खड़ी हो जाती है, वहाँ के बच्चों को बेसिक नॉलेज कंप्यूटर आज तो जरूरी, आपको मालूम है कि आज के युग में जरूरी, उन बच्चों को बेसिक नॉलेज इस चीज़ का देने के लिए वो ट्रेनर अंदर होता है, वो उनको ट्रेनिंग देता है, ऐसे गांव-गांव में वो वैन बन जाती है और इस तरह से हम कंप्यूटर का भी उन बच्चों को देते हैं नॉलेज। एकल ग्रामोत्थान के तहत क्या-क्या चीजें की जा रही है? एकल ग्रामोत्थान एक्चुअली शहर और ग्राम के बीच में एक थोड़ी सी बड़ी सी जमीन होती है जहाँ पर हमारा केंद्र स्थापित होता है, तो हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि हर किसान को कम से कम 10 से 15 हजार रुपए इतनी आमदनी तो महीने की होनी चाहिए, क्योंकि मौसम और फसल बर्बाद होना इससे कारण किसानों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो वो ग्रामोत्थान केंद्र में एक थोड़ी थोड़ी जगह बनाई जाती है जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बेस्ट बीज कहाँ मिलेगा, आपको बहुत अच्छी फसल के लिए क्या क्या प्रयास करने हैं, वहाँ सिलाई केंद्र खोले जाते हैं ताकि लेडीज अच्छी सिलाई खींचे सीखे फिर हम उनको ऑर्डर दिला सके, वहाँ पे कंप्यूटर केंद्र खोले जाते हैं, ऐसे कई तरह की ग्राम से रिलेटेड, ग्राम विकास से रिलेटेड कई चीजें ग्रामोत्थान सेंटर में की जाती हैं, तो वहाँ आसपास के गांव के लोग आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और जाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मतलब पूरे ग्राम का उत्थान यानी ग्रामोत्थान। एकल ग्रामोत्थान का भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें ये जो अपनी बिस्तरी की बॉटल्स होती हैं, उसमें जितनी भी ये जो सब्जी वाले पॉलिथिन देते हैं या जो हमारे जो दूध की थैलियां हैं या बिस्किट्स के रैपर्स हैं, ये लेज और इन सब के जो रैपर्स हैं, उनको सबको उस बॉटल में फिल कर दो, तो वो बॉटल जब पूरी भर जाती है उसमें कम से कम 25 से 30 थैलियां आ जाती है, पता भी नहीं लगता लेकिन वो इतनी ऐसी उस बॉटल में, तो ऐसी बॉटल्स को घर घर से कलेक्ट करने का सोचा है अभी, एंड उससे ताकि यहाँ नगर में भी करें और गांव में भी करें और फिर वहां पे उस पे गांव में पेड़ों के अंदर बाउंड्री, ताकि उनको रिसाइकिल करके उनको यूज बता दें कि आपके वहां गांव में फैला हुआ नहीं रहेगा, फ्री प्लास्टिक करना, फ्री प्लास्टिक जोन बनाने हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अभी चालू करा है। और आरोग्य फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इसके तहत किस तरह से शिक्षा दी जा रही है और काम किया जा रहा है? आरोग्य फाउंडेशन में एक तो ये है कि हमारे जो खेत होते हैं वो किसानों को इतना ज्यादा यूरिया यूज करना सिखा दिया जाता है कि एक यूरिया की बोरी में कहते हैं कि 15 किलो रेत होती है और 5 किलो दवाई होती है, किसान उसको इतना बातों में आके शहर वालों के डालते हैं कि थोड़े दिन में खेत बंजर हो जाते हैं उनके, रेत ही रेत हो जाती है, तो हम लोग आरोग्य फाउंडेशन में उन्हें ये जैविक पिट बनाना सिखाते हैं कि आप ये वर्मी कंपोस्ट ही बनाइए और वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए, ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक खिलाइए, और आप ज्यादा से ज्यादा कैसे उपज कर सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाइए उससे आपको पौष्टिक खाना मिलेगा,
या अपने घर के बाहर एक सब अनाज बेच मत दीजिए, अपने घर के बाहर एक छोटी सी वाटिका लगाइए, उसमें तरह तरह के सब्जी फल के पौधे वो आप खुद कंज्यूम कीजिए। अपनी सफाई कैसे रखें, आप गांव की सफाई कैसे रखें, बच्चों की सफाई कैसे रखें, बच्चों के नाखून कटें के सिर धुलाए कि नहीं, ये मतलब छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक बातें हम ये आरोग्य में सिखाते हैं। मैम, वन बंधु परिषद की जब से शुरुआत हुई है तब से अब तक आप इतने सालों से सम्मिलित कर काम कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या रिजल्ट सामने आया? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रूरल एरिया में आज भी किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप वो चीज़ें बहुत पास से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें सामने। देखिए, रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है राइट टू इंफॉर्मेशन। वो गाँव के लोग अशिक्षित होते हैं और वहाँ के जो सरपंच होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो ड्यूटी बनती है गाँव वालों के प्रति, सरकार की इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं स्पेशली ग्रामीण लोगों के लिए, जितनी सारी योजनाएं हैं सरकार की, विधवा को पेंशन देना, घर बनवाना, खेत की मेड़ बनवाना, मतलब क्या क्या बताऊँ आपको, तो वो ना गाँव वालों तक पहुँचती नहीं है, और या पहुँच गई यदि तो उसमें जो बिचौलिए होते हैं वो उनका आधा आप पैसा रख लेते हैं। ये मुझे पता नहीं आपके इंटरव्यू में बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो जब लोगों को पता लगता है वहाँ के ऑफिसर्स को, सरपंच को, सबको, कि इनके बैकिंग में वन बंधु परिषद है, इनके बैक में शहर है, तो वो चीज़ कम होती है, तो उसका एक फायदा मिलता ही है। एजुकेशन का फायदा मिलता है, थर्ड तक हम पढ़ाते हैं, साथ में हम जब गांव में जाते हैं, हम लोग वन यात्रा लेके जाते हैं, मतलब हम शहर बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, तो हम लोग घर के लोग शहर के लोगों का ग्रुप लेके गांव में जाते हैं, वो जब देखते हैं तभी वो डोनर्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर धीरे धीरे हम डोनर्स को कार्यकर्ता में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें इतनी भावना आ जाती है कि वो कहता है मुझे भी कुछ करना है। तो महिला सभा भी लेते हैं वहाँ पे, तो वो लेडीज क्या होता है कि वो शहर वालों को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, बोल नहीं सकती, कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है, तो हम उसकी जो नियर बाय गाँव होता है ना, संच जिसको हम कहते हैं, वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज वाली लेडी को ले जाते हैं, और फिर वो हम जो बोलते हैं वो उनको समझाती है। तो जैसे वो घूंघट लोगे, ये करोगे, कई बातें होती हैं कि जेंट्स से दबोगे, गाँव में शोषण बहुत है औरतों का, तो उससे उनको निजात मिलती है, लोगों के कमाई में वृद्धि होती है, थोड़ा एक एक्सपोजर तो होता ही है, और शिक्षा में 3 क्लास के बाद हमको जो समझ में आता है कि ये विद्यार्थी आउटस्टैंडिंग है जी, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट होता है, शिक्षा होती है, फर्क बहुत पड़ता है। एकल युवा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक चीज़ है, तो इसके तहत किस तरह से काम? देखिए, युवा तो डायनेमिक होते ही हैं, वो उनके पास जो आइडियाज हैं, वो एकल युवा पे माधवी बोलेगी ज्यादा अच्छा बोलेगी। आज की पीढ़ी बहुत ही डायनामिक है, जैसा कि भाभी बोल रही है, उनके पास इतने सारे नए आइडियाज होते हैं कि हमें कैसे प्रमोट करना है किसी भी चीज को, तो हमारा भी एकल युवा एक सेक्टर है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने अभी एक लाइब्रेरी बनाई है, यहाँ से सारी बुक्स डोनेट करके पूरी लाइब्रेरी वैन बना दी है और वो गांव-गांव में जाएगी, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं वो लोग और एजुकेशन को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं इसको। कोरोना काल की बात निकली है तो मैं पूछना चाहूंगी कि सोसाइटी ने कोरोना काल में किस तरह से? देखिए, एकल ने कोरोना में बहुत काम किया, कई शहरों ने तो बहुत कलेक्शन करके, जो ये प्रवासी मजदूर ये सब जा रहे थे, इंदौर चैप्टर ने तो इतना काम किया कि इन्होंने तो पूरे वहाँ पे कैंप भी लगा दिए थे अपने, कि जो भी मतलब हम लोग ने किस तरह से काम किया कि गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया, ये आलू है, ये है, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, और जो लोग आते थे वो लोग ट्रक भर भर के आते थे या पैदल आते थे, उनको रोक के और ऐसे राउंड्स बना दिए कि आप यहाँ खड़े रहिए, ये 2 पाइप है, जिसको नहाना है उसके ऊपर वो पाइप मार दिया, जिसको पीने का पानी चाहिए वो बॉटल रख दी वहाँ से ले लो, स्लीपर्स रख दी स्लीपर ले लो, और खाने के ये पैकेट है, आप 15 लोग हैं, ये 15 पैकेट ले लो, ऐसे करके
डिस्टेंस रख के, तो बहुत काम किया इंदौर चैप्टर ने। और उसके बाद कोरोना में जगह जगह ये आइसोलेशन सेंटर और ट्रीटमेंट सेंटर एकल ने बहुत पैसा खर्चा किया कोरोना में, क्योंकि हमारे ज़्यादा कार्यकर्ता सब गांव में हैं और गांव में बहुत ही ज़्यादा एक क्लैरिटी नहीं है, लोग डरे हुए हैं वैक्सीनेशन लें नहीं लें, उनको एजुकेट करने के लिए। और हमारे यहाँ जितनी भी लेडीज है शहर वाली, एक ग्रुप बना के उन्होंने महीनों गांव के बीच में संपर्क करके, जैसे मैंने एक नंबर डायल किया, फिर उस ग्रुप में 10 लोगों ने 10 और नंबर डायल किए, ऐसे उसको विचार क्रांति योजना नाम दिया। तो हम लोगों ने गांव गांव में, और गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि एकल के कारण बहुत से गांव में कोरोना कम हुआ है। वैक्सीनेशन को लेकर मैम रूरल एरिया में क्या लोगों की मानसिकता बनी है? पहले पहले तो यही था कि आप वैक्सीन लगाओगे तो मर जाओगे और वैक्सीन नहीं लेना है, परंतु धीरे धीरे कुछ तो मोदी जी के प्रभाव से बोलिए, कुछ ये गवर्नमेंट के इतने मैसेजेस जाने से अब तो काफ़ी चेंज आ रहा है। अब तो बहुत चेंजेस है, अब तो काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा भी लिया। इवन एकल ने भी सरपंच और वहाँ के जो भी हमारे कार्यकर्ता थे उनके थ्रू भी उन लोग को थोड़ा सा समझाया कि भाई ये एक्चुअल में सेव होने के लिए अपने को आज के इसमें बेस्ट है कि हम वैक्सीन लगा लें। इसमें 4 लाख गांव में विचार क्रांति योजना के तहत एकल 4 लाख गांव तक पहुंचे है। मैम ये पूछना चाहूंगी कि अगर कोई जुड़ना चाहता है संस्था से, सोसाइटी के जरिए वर्क करना चाहता है लोगों के लिए, तो कैसे कर सकते हैं बताइए? आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो हम उन्हें बताएंगे कि कैसे एक बच्चे की एजुकेशन होती है। आप महिला समिति में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर में युवा है तो एकल युवा है, युवा में जैसा भी एज ग्रुप हो उसके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, अध्यात्म में है तो हरि सत्संग है, सारे हमारे सभी तरीके के आयाम है, ग्राम संगठन है, ग्राम में काम करने का मन हो, तो जैसा भी है उनके इंटरेस्ट लेवल पे डिपेंड करता है, तो जरूर से मोस्ट वेलकम है जो भी आना चाहे। हमारी पर मंथ 1000 रुपीज फीस है फॉर मेंबरशिप एकल की। इसके अलावा हमारा महिला संगठन का एक ग्रुप है सखी संगम, जो बहुत ही एजुकेशनल एक्टिविटीज चलाता है, मतलब उसको जो एक बार ज्वाइन करता है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और उसमें हर धर्म की हर एज की लेडी है, तो वो भी एक बहुत पॉपुलर है, कोई अगर ज्वाइन करना चाहे। हमारे चैनल के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को भी और खासकर युवाओं को, क्योंकि युवा हैं जो कुछ कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से जैसे आप काम कर रहे हैं वो भी करें आगे चल कर? हम तो चाहेंगे कि युवाओं का जोश बरकरार रहे, वो जरूर इससे सीखे कि सब कैसे कलेक्शन करना है, कैसे हम लोगों को भी आगे प्रमोट करते रहना है कि खूब अच्छा काम करें और गाँव के बच्चों के लिए हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। एंड शायद हम ये भी चाहते हैं कि हर युवा अगर एक बच्चे का अगर सोच ले कि मैं एक बच्चे को गोद लेके उसका एजुकेशन कंप्लीट कराऊं, तो शायद हमारा देश इतना समृद्ध हो जाएगा। बोलते हैं ना कि भाई गांव समृद्ध हुआ तो देश समृद्ध होगा, एजुकेशन जरूरी है सभी बच्चों का, तो हम युवा से ये अपील करेंगे कि भाई सभी इस चीज में प्रमोट करें, एजुकेशन है बच्चों का, तो प्लीज सभी एक चाहें कि एक एक बच्चे को गोद लें और उनका एजुकेशन कंप्लीट कराएं। इनफैक्ट आजकल क्या होता है कि आजकल इतनी आउटगोइंग होती है बच्चों की, अभी जैसे बाहर नहीं जा रहे बट फिर भी बाहर से खाना मंगवाना है बच्चों को, हमको ऐसा एक हर युवा को एक ऐसा मन में सोच लेना चाहिए कि मैं अगर अपने ऊपर इतना खर्चा कर रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग सो मच, तो अगर मैं 4 बार एंजॉय करता हूँ तो 5वां मैं एक अपने वनवासी भाई बहन के लिए 1100 रुपये का एक लिफाफा बना के रख देता हूँ ताकि वो उसकी एजुकेशन के लिए ईजी हो जाए। तो अगर ऐसे करके अगर थोड़ी थोड़ी भी हेल्प करते हैं तो जैसा कि भाभी ने कहा, एक बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये तो एक ओशन है, पहले ही बता दिया था कि ये एक ओशन है। दूसरी बात ये है कि हम देशभक्ति की बात करते हैं, जो देश क्या है, हम ही तो देश है, हम में से हर एक व्यक्ति देश है, तो हम बाकी जो करते हैं वो मनोरंजन करते हैं, हम एकल के लिए जो काम करते हैं वो आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, तो अगर हम में से हर एक को आत्मसंतुष्टि है तो इससे बड़ी देशभक्ति है ना। व्यवस्था की दृष्टि से हमारी फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल्स सोसाइटी को
दो भागों में बांटा गया है, एक नगर संगठन और एक ग्राम संगठन। तो जो नगर संगठन है उसमें ज्यादा नगर के लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सक्षम है, जो बुद्धिमान है, जो विचार कर सकते हैं, आगे प्लानिंग कर सकते हैं, वो उनका थॉट प्रोसेस इसमें आगे की प्लानिंग करता है और वो ही हमारे स्कूल्स का कलेक्शन भी करते हैं। तो धन आने का वही एक मार्ग है। और इसके अलावा फिर हमारा ये भी काम है कि हम शहरों में बहुत प्रचार प्रसार हमारी सोसाइटी का करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। उसके अलावा जो हमारे स्कूल तक पहुंचने की व्यवस्था होती है वो ग्राम संगठन करता है। तो ग्राम संगठन में जैसे अपन जिला तहसील होते हैं वैसे हमारा 30 विद्यालय पे एक संच, 10 संच पे एक अंचल और 6 या 7 अंचल पे एक नगर होता है। और ये कार्यकर्ता जो होते हैं पूर्णकालीन, वो रात दिन प्रवास करके और इसकी व्यवस्था संभालते हैं और उसे ग्राम संगठन देखता है। तो मतलब एक फील्ड वर्क हो गया और एक ऊपर से हो गया। तो जिसकी जिसमें रुचि हो वो उसमें जुड़ सकता है। तो आज हमने मैम से जाना फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के बारे में कि किस तरह से ये सोसाइटी वर्क करती है, किन लोगों के लिए वर्क करती है, क्या थॉट लेकर ये सोसाइटी वर्क कर रही है। मैम ने इसे अच्छे से ब्रीफ किया है कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं ये भी बताया है। यहाँ जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी अपने वनवासी भाई बहन की मदद करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं, उन्हें अपने राइट के बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िए। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।